प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बड़ा फेरबदल किया है। पीएमओ में हुए फेरबदल में एक संयुक्त सचिव, 3 उप सचिवों और 1 निदेशक समेत 5 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने पीएमओ में कई अहम नियुक्तियों को मंजूरी दी है। पी के सिन्हा को पीएमओ में विशेष दायित्व अधिकारी नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने 5 सालों तक काम करने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद श्रीवास्तव को अहम जिम्मेदारी दी गई है। उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। 1984 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव अभी तक आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मौजूदा निजी सचिव हार्दिक शाह को पीएमओ में डिप्टी सचिव बनाया गया है। हार्दिक शाह गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे हफ्ते में कार्यमुक्त होंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कार्य से मुक्त होने की इच्छा जताई थी। नृपेंद्र मिश्रा के सेवा मुक्त होने पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि नृपेंद्र मिश्रा के सेवा मुक्त होने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। पीएमओ के अलावा नागरिक उड्डयन, एग्रीकल्चर, वित्तीय सेवा, सड़क परिवहन समेत अन्य विभाग में भी नियुक्तियां की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।